सभी को प्रेम बंधन। सभी को प्रेम बंधन। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, मन इतना उदास क्यों रहता है और ये क्या मांगता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हम सब ने मन के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जाना है और आप पाते हैं अधिकतर समय अधिकतर लोगों के मन में उदासी दिखाई देती है। जिससे देखो उसके हृदय के अंदर, किसी के अंदर कोई आनंद पुलक और जो जीवन का जो उत्साह है किसमें दिखाई पड़ता है? कोई कोई विरला ही ऐसा इंसान संसार में होगा जो अपने आप को स्वस्थ, खुश और आनंदित होकर कह सकता है कि हाँ मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं। ऐसी कौन सी चीज है जो इसने मिस कर दी है, जिसकी वजह से ये आज इतना दुखी है कि चेहरे पर हमेशा लोगों के दुखों की ढेर लगे पड़े हैं। लोग इतना पूछते हैं, अगर परमात्मा है तो संसार में इतना दुख क्यों है? अगर परमात्मा है तो संसार में इतना दुख क्यों है? परमात्मा है, परमात्मा अपनी जगह पर, परमात्मा ने हमें इंसान के रूप में हमें बनाया, हमें समस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप क्या चुने क्या ना चुने, ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं। आप सुख चुने आप दुख चुने, इंसान को समस्त सुविधाएं दी हैं। परमात्मा ने इंसान को अपना रूप बनाया है, वो समस्त ताकतें दी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस में लिखा है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की न्याई। कि है तो ये ईश्वर का अंश अविनाशी है, लेकिन ये बंध गया है, बंधन में आ गया है। एक बार उदाहरण से बात को समझते हैं। एक पिता अपने बच्चे को मेला घुमाने लेकर जाता है। बड़ा सुंदर है मेला, छोटे बच्चे के लिए बड़ा आकर्षण है, बड़ा अट्रैक्टिव है। पिता की उंगली पकड़ी हुई है, बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है और जगह जगह पर उसको उसकी आकर्षण की चीजें मौजूद हैं। वहां पर कहीं पर देखता है, कहीं पर खिलौने हैं, कहीं पर मिठाइयां हैं, कहीं पर लाइटें हैं, कहीं पर झूले हैं, अनेक अनेक तरह के चीजें मौजूद हैं जिसमें उसका आकर्षण बंधता है। तो वो बच्चा कभी ये देख, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, पापा ये झूला चाहिए, पापा ये खाने की चीज चाहिए, ये मिठाई चाहिए, ये ऐसा जो अच्छा लगता है पापा सब उसको लेके दे रहे हैं। बच्चा बड़ा खुश है, बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा आनंद में है। फिर सारा कुछ ऐसे कैसे, बिल्कुल खुशियां, खूब सारी चीजें जहां देखता है वहां खुशियां नजर आती हैं। बच्चे को वो चीजें लुभावनी लगती है, खींच लेती है, ऐसा लगता है कि हर चीज उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। झूला चाहिए, झूला चाहिए, देखो सारे बच्चे मजे ले रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। सब वो जाना चाहता है, संसार की चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, राइट। और फिर किसी ऐसी ही जल्दबाजी में पिता का हाथ छुड़ाकर निकल जाता है, बस मुझे तो ये चाहिए। पापा मना करते हैं, उसके बावजूद भी वो निकल जाता है। या किसी भी कारण से बच्चा पिता से दूर हो गया। अब सोचिए, सब कुछ यूं का यूं है, सब कुछ वैसे का वैसे, वही झूले हैं, वही लाइटें हैं, वही मिठाइयां हैं, वही सब कुछ, लेकिन लेकिन अब पिता की उंगली नहीं पकड़ी हुई। तो वो दुखी है, परेशान है, वो दुखी है, परेशान है। अब उसके सामने जो भी चीजें आती हैं, अब उस मेले में वो खुशी नहीं है, वो आनंद नहीं है, अब दुख है, दर्द है, पीड़ा है। क्या करें, क्या करें वो?
अब वो कहीं ना किसी रूप में पिता की उंगली ढूंढता है। उसको पता है कि सुख जो था वो सुख जो था इन वस्तुओं में नहीं था, इन वस्तुओं में नहीं था जिसको मैं अपना समझकर बैठ गया। सुख पिता की उंगली पकड़े हुए थे तब ये सारी चीजें अच्छी थी, तब ये सारी चीजें अच्छी थी। लेकिन जैसे ही उसके पिता की उंगली छूटी उसके बाद ही सब चीजें वैसी ही हैं, लेकिन अब सब दुखी कर रही हैं। अब बच्चे को अकेलापन खाता है, कौन दिलाएगा ये सब चीजें? तो वो अपने दम पर पाने की होड़ में लग जाता है, मुझे भी चाहिए, मुझे ये लाइटें चाहिए, मुझे मिठाइयां चाहिए, मुझे साथी चाहिए, मुझे ये बच्चे चाहिए। ऐसे ही हमारी जिंदगी की सारी डिमांड ऐसी नहीं है क्या? जिंदगी की सारी डिमांड खेल खेल खिलौने चाहिए सभी को, बच्चे लगा लो वो खेल खिलौने की तरह से हैं। मिठाइयां चाहिए, जीवन की सुविधाएं चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सुविधाएं, ये वही खेल खिलौने ही तो है और क्या है? वो सब चीजें मांगता है, वो सब चीजें मांगता है, उसको लगता है इसमें सुख है। किसी भी चीज को आप पकड़ के बैठ जाओ, किसी भी चीज को, थोड़े दिनों का सुख उसमें भासता है। कोई भी नई चीज लेकर आओ, दो चार सेल्फी वेल्फी ले लोगे उसके साथ, आई गॉट माई न्यू बाइक, उसको लेके करोगे क्या? क्या कर लोगे? थोड़ा सा चला लोगे, चलो 1 महीना आप उसके ऊपर खूब एंजॉय कर लोगे, फिर क्या? बाइक खड़ी है, पहले दिन तो ध्यान हटता ही नहीं है उसके ऊपर से, ध्यान उस पे से हटता ही नहीं है लगातार। देखो अरे इतना सा भी मिट्टी कैसे लग गई उसको तुरंत, अरे स्क्रैच कैसे लग गया, कैसे उसके पीछे दीवाना हुआ रहता है। और धीरे 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 1 दिन बीत बिता, 2 दिन बीते, 3 दिन में ये फोटो ली, वो फोटो ली, सेल्फी ली, यहाँ खिंचवाई वहां खिंचवाई, सब करके डाल दी, सो व्हाट? लास्ट में क्या, लास्ट में क्या? कितने दिन आकर्षण, कितने दिन आप उसका आकर्षण में बंधे रह सकते हो? नहीं, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए, आकर्षण का कोई नया केंद्र चाहिए। ऐसी ही एक स्त्री के साथ, एक पुरुष के साथ शादी के लिए लोगों की कितनी डिमांड होती है। उससे पहले शादी के से पहले नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, फर्स्ट जॉब लगी थी, कितनी एक्साइटमेंट थी, अरे वाह अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, कितनी खुशियां जीवन में, सब चाहिए, सब चाहिए, सब मिल गया, बस ये मिल जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मन में धारण किया हुआ था। लेकिन लेकिन सोच के देखिए, सब कुछ मिलने के बाद भी मन दुखी क्यों होता है? फिर पा लिया, अच्छा वो नौकरी मिल गई, सो व्हाट, सो व्हाट, क्या हो गया फिर? अब वो और बेटर चीजें ढूंढता है, कुछ मिल जाए, नौकरी में सुकून नहीं है, घर का घर जाने को नहीं मिलता, जो पहले कंफर्ट थे, जो अपना मजा था वो सब खत्म, अब क्या करें? बंद गया, वहां पर बंद गया। ऐसे ही भूलियो मन माया उलझायो, भूल गया है, हर चीज में दुखी होता है, परेशान होता है, उसको सब कुछ चाहिए, लेकिन बिना प्रभु के, बिना परमात्मा के, उसका पिता ने जो हाथ पकड़ा हुआ था वो छूट गया है, अब वो दुखी है। सब चीजें होते हुए भी दुखी दुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं वो तो दुखी है ही सही। कोई तो मन से दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को, एक एक दुख सबन को, सुखी संत को दास, ये बात जिसको समझ में आए उसको आए, अदरवाइज क्या है कि एक एक दुख सबन को, सबके पास भरे पड़े हैं, दुखों की भीड़ लगी पड़ी है। देखो कितने दर्द हैं, कितनी पीड़ाएं हैं, हर बंदा अपनी समस्याओं के समाधान के पीछे ढूंढ रहा है। आखिर क्यों भाग रहा है मन? इस चीज के पीछे भाग रहा है, क्या चाहिए उसे? सोच के देखिए, क्या चाहिए उसे, क्या मांग है उसकी? ए दिले नादान जुस्त जू क्या है, किसने गाना है लेकिन वास्तविक सभी की खोज क्या है? जिस जू क्या है, क्या चाहता है तू, क्या चाहता है जरा खोज। सुख ढूंढ रहा है, सुख आनंद ढूंढ रहा है, खोज तो यही चल रही है सभी की, हर चीज के पीछे एक ही चीज डिमांड है, सुख मिल जाए। वो डिमांड पूरी नहीं होती फिर इधर उधर भागता है, और इस चक्कर में न जाने कितने प्रीत लगाकर बैठ जाता है। कभी लगता है इस पत्नी में सुख है, कभी लगता है इस जॉब में सुख है, सुख है इस पैसे में, सुख है इस गाड़ी में, सुख है इस बाइक में, सुख है लोगों के बीच रहने में, सुख है दोस्तों के बीच रहने में, सुख है बहुत सारे चाहने वाले हो जाएं तो बड़ा सुख है, लगता है, लगता है, लेकिन वो उसकी होड़ में लगा रहता है, इससे ढूंढता है, उससे ढूंढता है, लेकिन कितना कितना कोई सुखी हो जिसके पास वो सब है, उससे वो कंपटीशन करता है, अरे मैं तुझे पाकर दिखाऊंगा, मैं तुझे पाकर दिखाऊंगा, तेरे पास एक बाइक है मैं गाड़ी लेकर आऊंगा, सब आ गया, सो व्हाट, क्या हो गया, क्या हो गया,
जीवन उतना ही दुखी जितना पहले था, उतनी ही पीड़ा में है, इतनी ही पीड़ा में है, और ऐसे करते करते मर जाता है, मर जाता है, और फिर अगला जन्म लेकर फिर चला आता है, अगले जन्म में फिर जीरो से शुरुआत होती है, और ये खेल वैसे ही चलता रहता है। मर मर जमे जमे फिर मरे, बार बार मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, इसी सजा जो है खत्म ही नहीं होके देती, चलती रहती है, ऐसे ही चलता रहता है कि बस अब तो सुख मिल ही जाएगा। किसको मिला है जरा देखो, देखो अपने भीतर खोज कर किसको मिला है। ये खेल चलता रहता है, एंडलेस जर्नी, वॉम टू टॉम चलता रहता है, वहां से आए वहां पहुंचे, वहां से आए वहां पहुंचे, एक तरफ जीवन का खेल, एक तरफ मृत्यु का खेल, एंडलेस एंडलेस, समझ नहीं आता कोई एंड भी है क्या हो जाएगा। तो फिर सुखी दुखी होकर इधर उधर भटकता है, और इतना ही नहीं कि जीते जी भटकता है, मृत्यु के बाद भी फिर यही हरकतें होती है, यही हरकत, उसको लगता है अभी भी लगता है कि यहां से सुख मिल जाएगा, जाता नहीं है यहां से, धक्के मार मार के लेके जाते हैं, जो जाने वाले यमदूत होते हैं ना, वो बार बार खींचते हैं, जाता नहीं है, मुझे संसार बड़ा अच्छा लगता है, क्या पता सुख मिल जाए अभी, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है, खूब समेट के बैठे हुए हैं अंदर, चाह डिजायर्स भीड़ इकट्ठी कर रखी है, क्या करें क्या करें जरा, क्यों ए दिले नादा जस्तजू क्या है, क्या ढूंढता है क्या ढूंढता है, सबके साथ ही हालत होती है, अंततः जाके फिर कब्र में जाकर समा जाता है, जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, फिर क्या एंड क्या उसका, उसकी तो खोज कर ही नहीं पा रहा ना, जिसकी खोज में आया था ये समझ नहीं पाता पर्पस क्या था, भाई ये सारे खेल बड़े खेले लेकिन पर्पस क्या था, पर्पस क्या था, मिला उस चीज को जान पाया जिस मकसद के लिए भेजा गया था, कुछ इकट्ठा कर भी लिया, दुखी तो तब भी रहा, कोई लगता है सुखी, एक व्यक्ति बता दो अपने आसपास में, ढूंढ ढूंढ के देख लो, कोई व्यक्ति कह दे कि हाँ मैं बड़ा आनंद में, अरे मैं बड़ा सुखी हूं, कोई एक बता दो, ना मिलता कोई, बिल्कुल नहीं मिलता, दूर दूर तक अता पता भी नहीं मिलता, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ना कोई मिला है सुखी और ना कोई मिल सकता है, ना कोई मिला है और ना मिल सकता है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उस सुख के साथ हमने जो जो अब जो संतों की वाणी से रेफर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो सुख होगा, कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं तो भीतर आनंद तो होना चाहिए, सुख तो होना चाहिए, होना तो चाहिए, कहीं ना कहीं सुख है जरूर, कहीं तो है। गौतम बुद्ध चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, एक तरफ अंगुली माल है, मारता है लोगों को, इधर उधर काटता है फिरता है, और वो लोगों की हत्याएं करता है, मारता है, और पीछे बुद्ध को जब पता लगा कि बुद्ध वहां पर आ रहे हैं तो उनके भी पीछे मारने के लिए दौड़ा, आज उसको मारूंगा, बड़ा फेमस है ना, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है, पता तो लग ही जाता है सबको, बुद्ध जा रहा है पीछे से खड़ा है, वो भी ऐसा ही हमारी तरह कोई डिजायर से भरा हुआ, जाके बुद्ध आगे से निकल रहे हैं, ए रुक जा, बुद्ध पीछे मुड़ के देखते हैं कौन है, पता लगता है हाथ में वो लेके तलवार लेके कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है, कुल्हाड़ी से मार के तोड़ दिया करता था, उंगलियां काट देता था, गर्दन काट देता था, ऐसा ही कोई दुखी इंसान, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में, तो बुद्ध की तरफ देख के बोलता है रुक जा, उसको देखकर क्या बोलते हैं, रुकते हैं, शांत, इतने शांत, कुछ ऐसा पा लिया है उन्होंने जो परम आनंद देने वाला है, जो परम ठहराव देने वाला है, जो परम शांति देने वाला है, कुछ ऐसा भीतर शांति पड़ी है कि जो देखता है वो ठहर जाता है, शांत हो जाता है। कभी देखा है ऐसे लोगों को, मिले हो जो ठहरे हुए हो, परम शांति है, परम शांति, कुछ अंदर हिलता नहीं, वो लॉ जो अंदर की है ना वो स्थिर हो जाती है, टिक जाती है। अभी आम लोगों की देखो आंखें कैसे भागती हैं, सिर्फ आंखें ही देखो लोगों की कैसे चंचल आंखें, इधर उधर 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 सारा दिन मोबाइलों के ऊपर, इधर से उधर उधर से उधर, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, देखो कितनी चंचलता आ चुकी है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, YouTube ने इंस्ट्रक्शन जारी करी है कि तुम जो जो वीडियो बनाओ ना, पहले तो वीडियो बड़े बड़े होते थे, अब शॉर्ट का बड़ा जमाना है, आपने सुना ही होगा लोग यूज करते हैं शॉर्ट,
59 सेकंड मैक्सिमम लेंथ है, बस इसी में सारे बात को समेट दो, जो कहना कह दो। अच्छा, उसमें भी यूट्यूब ये इंस्ट्रक्शन देती है कि 30 सेकंड की कर दो, उससे भी कम की रखो अपनी बात, कह दे 30 सेकंड में जो कहना कह दो, नहीं तो लोग स्किप कर देंगे तुम्हारे उसको वीडियो को। इतनी भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है किसी की, भाग रहा है मन, क्या ढूंढ रहा है, ए दिले नादा जुस्त जू क्या है, क्या ढूंढ रहा है भाई तू, क्या ढूंढ रहा है, एक के बाद एक, चलो चलो चलो, क्या भाग रहा है, किधर भाग रहा है, कहां, किसकी किसकी तरफ, क्या खोज लेगा तू, सोच रहा है एक बार। तो बुद्ध उससे पूछते हैं, वो उंगली माल बुद्ध को कहता है रुक जाओ, ठहर जाओ। बुद्ध बड़ी शांति से प्यार से ठहरे हुए इंसान भीतर गहरे ध्यान में उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, मैं तो चलते फिरते भी ठहरा हुआ हूं, मेरे भीतर तो सब ठहर गया है, शरीर चल रहा है मैं नहीं चलता, शरीर चल रहा है मैं नहीं चलता, तू कब ठहरेगा, तू कब ठहरेगा। अब ये सवाल अपने आप से पूछ के देखो, भाई तू कब ठहरेगा, सारा दिन भागता है मन, सारा दिन भागता है मन, तो जरा ठहर जाए, ठहर जाए, गोल्डन चांस मिला है ये, अभी इसको जानने का प्रयास करें कि ये खेल चलाने वाला इसके भीतर बैठा हुआ है, इसे इसके शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है उसको उसको भी कभी ठहर कर देखें अपने भीतर, कभी टिकें, कभी टिकें। हमें बहुत अच्छे से याद है बचपन में 8-9-8 बजे तक तो मामला बस डाउन हो लेता था भाई, कि भाई चलो अब दुकान, अब सभी सारी चीजें बंद, मतलब काम वाम धंधा, खाना बना ले लिया, चलो बात अब निपटने की करो। 8 बजे यहाँ सोते हुए देखा किसी को, सवाल ही नहीं पैदा होता। 9 बजे भी कहाँ, 10 बजे भी कहाँ, कौन सोते हैं, बैठे लगे हैं, रात के टाइम भी मोबाइल चल रहा है, चले जा रहा है, सोने से पहले भी वही चले जा रहा है, रात को नींद में भी वही चले जा रहा है, सुबह उठते हैं तब भी वही चले जा रहा है, होता है कि नहीं होता। इतनी भगदड़, क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है भाई तू, खोज खोज तो सही, किससे पूछो कभी, अच्छा क्या क्या कर रहे हो तुम, बस ऐसी सर्फिंग, बस चला रहा हूं मोबाइल, चला, क्या कर क्या रहा है, ढूंढ क्या रहा है, क्या मिल गया, कोई एक चीज बता दे जो तूने यहां से सीख ली हो। कुछ नहीं है किसी के पास, कोई विरला रेयर कोई मिलेगा जो कहेगा हाँ चलो मैंने कुछ सीखा, मैं किसी पर्पज से 1 मिनट भी खोने को नहीं है मेरे पास, कीमत है समय की। अगर आपको बात समझ में आ गई है, जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य है, जीवन में कोई लक्ष्य है, बात समझ में आ गई है, तो पहली चीज है अपने भीतर एक ठहराव को हासिल करना, एक शांति को हासिल करना। अब शांति चाहिए, भागता है, इस शांति को पाने के लिए ढूंढ रहा है, देख अपने भीतर। बुद्ध ने कहा मैं ठहर गया, जरा तू ठहरा है कि नहीं ठहरा, मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, मैं तो ठहरा ही हुआ हूं। तो ये तरीका क्या है, तरीका है अपने भीतर खोजो, दिल ही खोज, दिले दिल खोजो, देखो उसे जो भीतर शांत है, जो टिका हुआ है, जो ठहरा हुआ है। पीछे मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि बताई थी, एक बार फिर उसका जिक्र करता हूं, बड़ी गजब की विधि है। श्वास को ठहराने के लिए मन को ठहरा के उसे देखो जो ठहरने वाला है, उसके पीछे खड़ा है। श्वास चल रही है, श्वास चल रही है, भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नंबर 1, 2, 3 जो तीन शुरू की तीन विधियों में क्या फरमाते हैं, श्वास जा रही है, श्वास जब नीचे से जाकर वापिस लौटती है तो वहां पर श्वास को देखना शुरू करो, टिक जाओ, श्वास नीचे गई वहां से वापिस आ रही है, तो जब नीचे से वापिस आ रही है उस समय उसे देखना शुरू करो, और जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हो तो सारा का सारा खेल चल जाता है, खत्म कंप्लीट होने लगता है, सारा का सारा खेल बदल जाता है। तो इसको जरा ध्यान से उसके ऊपर हम उतर ऊपर उसको उसका समझने का प्रयास करते हैं, 1 मिनट के लिए आपको दिखाता हूं ये, ताकि मन को मन इसको पकड़ सके इस बात को। तो हमने क्या इसको समझा, भगवान शिव की ये विधि, ठहरने की विधि, ये दिले नादा क्या ढूंढ रहा है जरा उसकी बात बता रहा हूं, जब श्वास नीचे से ऊपर मुड़ती है और फिर श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, तो इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो, ठहर जा, टिक जा, ठहर जा, कुछ मिलेगा, ठहर कर मिलेगा,
जल्दबाजी मत कर, भागदड़ मत कर। श्वास भी लोग इतनी फास्ट लेते हैं कि टिकाओ नहीं है मन को। किसी समय में 4-5 सेकंड की, 6 सेकंड की श्वास होती थी, लोगों की 2 सेकंड की भी श्वास नहीं मिलती। वैसे फास्ट फास्ट फास्ट, जैसे आंखें नहीं टिकती, हाथ नहीं टिकते, वैसे श्वास भी नहीं टिकती, भागता है मन। शांति कहां से मिलेगी? तो यहां क्या कह रहे हैं, जरा नीचे से श्वास ऊपर जाए और ऊपर से नीचे जाए, उस मोड़ पर, उस पॉइंट पर टिक जा, उन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। क्या कर, श्वास ऊपर गई, अब यहां से वापस नीचे आने वाली है, राइट, नीचे आने वाली है, उस पॉइंट पे टिक जा, थोड़ी देर के लिए ठहर जा। जरा ठहर के देखो एक बार, आंखें बंद करो और करके देखो, आंखें बंद करो और एक बार करके देखो, क्या जब श्वास नीचे जाए, जब श्वास नीचे जाए और वहां से वापस आने लगे, वहां पर टिक जाओ, ठहर जाओ, स्टॉप देयर, स्टॉप देयर। जब श्वास नीचे से ऊपर आए, रुको, देखो, ऊपर से नीचे जाए तब भी रुको और देखो, देखो, बहुत कुछ फील होगा, बहुत कुछ अनुभव में आएगा, टिक जाएगा, बहुत कुछ टिक जाएगा। ये मोक्ष का तरीका है, ये मोक्ष का तरीका है। बड़े प्यार से ठहर तो सही, देख एक बार, देख तो सही, पता चलेगा। ए दिले नादा जिस्त जू क्या है, अभी पता चलेगा। बड़े प्यार से देख अपने आप को, ठहर जा, ठहर जा, आराम से श्वास लो, टिक जाओ। केवल श्वास की विधि को पकड़ लो, इसी से बुद्धत्व हासिल हो जाएगा। पकड़ो, श्वास नीचे जाए, ध्यान से मुड़े, जब वो मुड़ने ऊपर की तरफ मुड़े, रुक जाना, ठहर जाना, उस मोड़ पर टिक जाना, टिक जाना, ठहर जाना। एक श्वास का वर्तुल बन गया है, एक साइकिल बन गया है, और वहां पर टिक जाना, टिक जाना अपने भीतर, उस परम शांति में टिक जाना। एक ठहराव है, शांति है, कुछ ऐसा जो टिकने के श्वास को प्यार से नीचे आ रही है। अभी किसी की कल्पना नहीं करनी, कोई नाम का जाप नहीं करना, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जंतर नहीं, कोई ध्यान नहीं, सिंपल श्वास को नीचे आकर, जैसे ही वो नीचे से ऊपर की ओर मुड़े, रुक जाए वहां पर, टिक जाना, होल्ड होल्ड। फिर वो ऊपर जाए और ऊपर से जब नीचे मुड़ने लगे, एक बार फिर से होल्ड, रुको, मन को टिकाओ, आने दो, मन को ठहर जाने दो, टिक जाने दो। मन टिकेगा, प्यार से टिकेगा,
दिखेगा, ठहर जा ठहर जा, ठहर ठहर, जल्दबाजी मत कर, आंखों को भी स्थिर कर लें, आंखों को भी स्थिर कर लें। आंखों को स्थिर करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है शांभवी मुद्रा। धीरे धीरे इससे भी प्रैक्टिस बनती है, लेकिन पहले श्वास को स्थिर करें करें। नीचे जा रही है आराम से, और फिर जब ऊपर उठ रही है बिल्कुल आराम से, जो मोड़ है जहां पर ऊपर से नीचे ट्रांसफर होता है या नीचे से ऊपर ट्रांसफर होता है, उस जगह पर रुकना, ठहरना। मन की समस्त भगदड़ समाप्त हो जाएगी, समस्त भगदड़। ये खुद को अनुभव कर पाएगा, इस श्वास को देखने वाला कौन है, इन श्वासों को देखने वाला कौन है, कौन है इन श्वासों को देखने वाला। भीतर देखें, अपने ध्यान अपने चेस्ट पर लगाएं, वहां एक शून्यता है, एक खालीपन है, एक शांति है, शून्यता है। उस शून्यता पर ध्यान दें, मन को टिक जाने दें, मन को टिक जाने दें। कहीं से भी शुरू करें, भगवान बुद्ध का पूरा जोर श्वासों पर है, कहीं से शुरू करें, लेकिन भीतर की शांति पे उतरें। मकसद है ठहराव आ जाए, देखो ठहराव आ रहा है, जरूर आएगा, जरूर आएगा। बुद्ध से विपश्यना कहते हैं, विशेष रूप से पश्यना मतलब देखना, लेकिन साथ में मैंने क्या किया, विज्ञान भैरव तंत्र की विधि को जोड़ दिया। बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी है ये, परम शांति है इसमें। देखो अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी ये बंद कर दिया जाता है, एकदम सन्नाटा। श्वास का नीचे जाना और रुक जाना, फिर श्वास का ऊपर जाना और फिर रुक जाना। ढूंढ लेना अपने आप को, खोज लेना, अपार शांति घटित मिलेगी, अपार शांति। थोड़ा करके बड़ा सुख मिलेगा, टिक जाएं जरा। और जैसे ही ठहरते हैं, कुछ ऐसी जो शून्यता घटित होती है, ये इतनी आनंदमयी है, अनुभव करें। मन की समस्त बक बक समाप्त हो गई है, शून्यता में टिक जाएं, ठहर जाएं, रुक जाएं। ये ही अपने आप से मिलना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है कि मैं हूं,
एक शून्यता है, एक ठहराव है। ध्यान बाहर से भीतर आ गया। बच्चा जो पापा को खोज रहा था, उसने अपने आंखें बंद करके भीतर झांका, वो पता लगा पापा से कभी बिछड़ा ही नहीं है, तो भीतर बैठा है। अपार शांति, अपार शांति। खोजो उस शून्यता को, कुछ नहीं है वहां पर, कोई भगवान, चार हाथ पैर वाले भगवान नहीं दिखेंगे वहां पर, कोई लाइटें नजर नहीं आएंगी, एक शून्यता नजर आएगी। काफी है, काफी है, ठहर जाए। अब श्वास को ना नेचुरल चलने दीजिए, ज्यादा लंबे समय तक हम होल्ड नहीं करेंगे, श्वास को नेचुरल चलने दे, लेकिन अपना ध्यान भीतर बनाए रखें। श्वास को अब बिल्कुल कंट्रोल छोड़ दें, जैसे चलते चलने दें। अब अपना ध्यान इस शून्यता पर ले आए जो अपने भीतर है, इस शून्यता पर ले आए। देखें जो फील हो रहा है, एक खालीपन है, एक शून्यता है, एक ठहराव है। यही हमारी आत्मा है, हमारा होना है, हमारा अस्तित्व है, रियल सेल्फ है, हम हैं ये। इस आत्मा ने इस शरीर को ऊपर से धारण किया हुआ है, पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हमने इस शरीर के ऊपर एक कुर्ता पहना हुआ है। आपकी हमारी चेतना कॉन्शियसनेस ने इस शरीर को ओढ़ा हुआ है, भीतर बिल्कुल ठहराव है, दिए की बिल्कुल वो लो जो एकदम स्थिर है। मन में एक लॉ फील करो, जैसे एक दिए की लॉ होती है ना, अब इस लॉ में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल स्थिर हो गई है, अकंप। इसके लिए सबसे उत्तम शब्द है अकंप, दिए की लो बिल्कुल अकंप हो गई है, अब वो हिलती डुलती नहीं। क्या समझ पा रहे हैं इस अकंप चेतना को? इस अकंप चेतना को समझ आ रही है आप बात की? राइट। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान को ऊपर लेकर जाओ, दोनों आईब्रो से ऊपर, दोनों आईब्रो से ऊपर, यहां ध्यान को ठहराओ, दोनों आईब्रो से ऊपर, जहां सिर के बाल शुरू होते हैं ना वहां पर। अब शांभवी मुद्रा लगाओ, शांभवी मुद्रा बिल्कुल ऐसे आंखों को ऊपर चढ़ा लो। अब ठहरा हुआ है मन, याद रखना विचार नहीं चलने चाहिए, एक भी विचार नहीं, एक भी विचार नहीं, विचारों को एकदम चुप, शट अप कर दो बिल्कुल, एक भी विचार नहीं आना चाहिए, अब ठहर जाने दो। अब यहां देखो ऊपर, इस ठहरे हुए चेतना से ऊपर देखो, इस ठहरी हुई चेतना से ऊपर देखो, सब ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है, सब ठहरा हुआ है, आराम से ठहर जाने दो इसे।
दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान को टिकाओ और देखो वहां पे भी सब कुछ ठहरा हुआ है। कोई कल्पना नहीं, किसी का ध्यान नहीं, कोई नाम का जाप नहीं, कुछ देर के लिए केवल ठहराव को फील करो। अकंप चेतना, अकंप, कोई कंपन नहीं। एक चीज और, जब ये अकंप हो गई है ये चेतना, विचार भी ठहर गए हैं, मन भी ठहर गया है, श्वास बिल्कुल आराम से चल रही है, बिल्कुल धीरे, बड़े प्यार से चल रही है, स्मूथ हो गई है श्वास, स्मूथ हो गई है एकदम प्यार से, क्योंकि उसकी हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको हमने पहले ठहरा दिया। अब हम चेतना को थोड़ा सा ऊपर ठहराते हैं, मन में ठहराव तो आए, कम से कम एक शांति आए, टिकाव आए। बड़ी दौलत है ये, बड़ी दौलत है, ये टिक गया, मन टिक गया भीतर से, संसार वैसे ही चलता रहेगा, कुछ बेहतर ही चलेगा, कुछ बेहतर ही चलेगा, निश्चिंत रहिए। मन ठहर गया, अब डिसीजन अच्छे होंगे, अब डिसीजन अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, जो काम करोगे सफलता मिलेगी। एक चीज, अब इस समय अपने श्वासों को, दोनों नोस्ट्रिल को फील करके देखो, दोनों नोस्ट्रिल फील करके देखो, दोनों नोस्ट्रिल बराबरी पे चलेंगे, देखो अनुभव करो। देखो अनुभव हो रहे हैं, दोनों नोस्ट्रिल बराबरी पर आ गए। ये क्या हो गया, भीतर मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा बराबर हो गई, सम अवस्था आ गई, समाधि में प्रवेश हो गया, स्टार्ट हो गया, और आगे चल के समाधि घटित हो जाएगी, समाधान घटित हो जाएंगे, समाधान घटित हो जाएंगे, ठहराव हो गया, सम अवस्था आ गई। बड़ी कीमती है ये सम अवस्था, बड़ी कीमत है, सारे समाधान इसी में है। भागता हुआ मन कोई डिसीजन नहीं ले पाता, लेकिन ठहरा हुआ मन जो डिसीजन लेता है वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, और फिर उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ठहरे हुए मन से क्या बुद्ध के काम नहीं बनते थे, सब बनता था, जो कह दिया वो पूरा हो गया। इस ठहरे हुए मन से जो करोगे परम शांति देने वाला होगा। सुषुम्ना नाड़ी चल रही है इस समय में, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी चलते हुए घर से बाहर निकलोगे, पुराने समय में कहा जाता था जैसे बाहर निकलोगे तो बिल्कुल जो काम में हाथ डालोगे वो बनेगा, वो बनेगा, सफल होगे उस काम में, अगर आपका मन ठहरा हुआ है, सम अवस्था में है आप। किसी भी काम की शुरुआत से पहले ये चेक करके देखो, दोनों नोस्टल चल रहे हैं, अगर हाँ तो उस काम में सफलता
मिलने की पूरी पूरी संभावना है। शांति आ गई, ठहराव आ गया, मन टिक गया। अब देखो इस शांत मन के साथ अब संसार को देखो, क्या आप कोई डिजायर है मन में, क्या मन में कोई इच्छा है, बताएं जरा। जो लोग YouTube पर हैं वो तो नीचे लिखकर बता ही सकते हैं, हैं जी, क्या मन में इस समय कोई डिजायर है? बात कुछ समझ में आ रही है? एक ठहराव आ गया, एक शांति आ गई। हाँ जी, टिकाव आ गया है, समझ में आ गया। इसी बात को तो अभी एक्सप्लेन किया है कि हमारी आत्मा जो है अलग क्यों हुई परमात्मा से। सुबह बताया तो है पूरी कहानी, आप अभी दोबारा से सवाल कर रहे हैं लोग, वही तो बताया है शुरू का वीडियो पार्ट, शुरू का देखो ना, सब बताया तो हुआ है, यही बताया हुआ है कि आत्मा अलग क्यों हुई। डिजायर्स, इच्छाओं के कारण दूर हो गई, अब भाग रही है, कहाँ परमात्मा मिलेगा? परमात्मा को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बुद्ध ने किसी परमात्मा की बात ही नहीं की। बुद्ध ने कहा अपने आप को देखो, दिल ही खोज, दिले दिल खोजो, अपने ही आप को खोजो, यहीं से शुरुआत होगी, यहीं से शुरुआत होगी। तो खुद को पा लिया, ठीक खुद को पा लिया, अपने ही दिल में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, किसी शायर ने कहा, अपने ही दिल में डूब कर पा जा सुराग ए जिंदगी, जिंदगी का असली सुराग, असली मकसद पा जा। वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे जैसे परमात्मा की तरफ से कहा जा रहा है, परमात्मा कह रहे हैं कि अपने ही दिल में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो मेरा नहीं बन सकता मत बन, परमात्मा कह रहे हैं मेरा नहीं बन सकता मत बन, अपना तो बन, तो अपना ही बन जा, अपना ही बन जा, खूब आनंद मिलेगा, अपने ही भीतर टिक जा, ठहर जा, कि भगदड़ छोड़ दे, ठहर जा, भगदड़ छोड़ दे, और ऐसी अपार शांति मिलेगी जैसे अब मिली है। ऐसे ही डुबकी लगाई जा सकती है, दिल के ही आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, इतना ही आसान है परमात्मा तक पहुंचना, इतना ही आसान है परमात्मा तक पहुंचना, राइट। बुले शाह फरमाते हैं, बुलिया रब दा की पावना, बुलिया रब दा की पावना, परमात्मा का क्या पहना। पौध लगा रहे थे, पौध समझ में आता है, जैसे जो लोग फसल बोते हैं उनको पता है अच्छे से, पहले बीज बो दिए जाते हैं, बीज से छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, तो उनको वहां से इकट्ठे होते हैं, वहां से उठा उठा कर उनको डिस्टेंस से प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है, पौध बोलते हैं। तो यहां से तोड़ते हैं और यहाँ लगा देते हैं, तो कहते हैं बोलिया रब दा की पावना, परमात्मा का क्या पाना, इधर पुटना ते इधर लाना, यहां से हटाना और यहाँ लगाना, इतना सिंपल है। मन जो बाहर भाग रहा था उसको थोड़ा सा रोक कर समेट लिया, उसको रोक कर समेट लिया और भीतर उतर गए, उसको अपने भीतर उतर गए, और जैसे ही भीतर उतरे अपार शांति, अपार ठहराव। टेक्निक है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है, सबसे बड़ी टेक्निक यही है कि कैसे भी टेक्निक कुछ है या नहीं है, शांति तो मिली, टेक्निक यही है। एक बार पुनः याद कर लेना, इतनी सिंपल, इतनी बेसिक चीज है कि आप अपने भीतर श्वास नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाते हुए उसको उपलब्ध हो, शांति मिल जाएगी, इतनी ही सिंपल बात है। चलिए इस ठहराव पे हम उपलब्ध होते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं कि जो मिला बहुत सुंदर मिला, बहुत सुंदर मिला, राइट। तो ये इस ठहराव में आप कभी भी उतर सकते हैं, 1 घंटा लगाएं अपने आप के ऊपर, मेहनत करें, तो शांति, ये ठहराव आपको सहज ही मिल जाएगा, सहज ही मिल जाएगा, राइट। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, जिसने अपने आप को खोज लिया उसने सारे संसार को खोज लिया, जिसने अपने आप को पा लिया
उसने सारे संसार को पा लिया। अपने ही दिल में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बन सकता मत बन, अपना तो बन, अपना तो बन, तो अपना ही बन, बहुत बड़ी बात है। राइट, समझ में आ गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए, कैसे भी करके इसको कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ठहर जाया करें, मन को शांत करने का तरीका आपको बता दिया है, आप आसानी से ठहर कर इसमें डूब सकते हैं। राइट, तो अभी अभी हम इस पार्ट को यहाँ पर यूट्यूब पर फिनिश करते हैं। आपको आगे के लिए मैं विशेष रूप से बता दूं, अगले कल से दिवाली वाला टाइम शुरू हो रहा है, मतलब धनतेरस शुरू हो रही है। धनतेरस पर से आप शुरुआत करें, कुछ सामान खरीदें कि नहीं खरीदें, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। ये 5 दिन, 2 दिन दिवाली से पहले, 1 दिन दिवाली वाला दिन और 2 दिन दिवाली के बाद, ये 5 डेज जो फेस्टिवल जिसे कहा जाता ना, ये अपने भीतर की शांति को पाने के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। तो पहले खुद के ठहराव को पालें। कल भी हम थोड़ी देर बैठेंगे, रात के टाइम करेंगे मेडिटेशन, और परसों संडे है, डेफिनेटली करेंगे, और मंडे विशेष रूप से। अच्छा, मंडे अगर जो जो धन पाने वाले जो मित्र बंधु है ना, जो पीछे पड़ रहे थे कि पैसा वैसा कैसे मिले, तो परसों आपको एक पावरफुल वो बताएंगे, एक मंत्र है जो दिवाली के दिन ही काम करता है। उस दिवाली उस दिन बैठ के 1.5-2 घंटे उसका जाप करेंगे, तो जो मनी वाली समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, परमात्मा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता तो खोलेगा इसे। तो उसको हम बात करेंगे आराम से। तो साथ बने रहिएगा, जब भी मैसेज आए तो समझिए कि हम साथ जुड़ने के लिए कुछ कह रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, तो जरूर जुड़े। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके लिए बहुत बहुत सारी थैंक यू है, धन्यवाद है। आइए अब इस सत्र को जूम पर समाप्त, यूट्यूब पर समाप्त करते हैं और जूम पर जुड़ते हैं। जो लोग यूट्यूब पर हैं वो करना चाहें तो डेफिनेटली आप वापस जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज। राइट, वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग जुड़े हैं वो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अच्छा, इसी के नीचे जो है, इसी के नीचे लिंक दिया हुआ है, इसी के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इसको लिंक पे क्लिक करके आप जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। जूम पे हर रोज जो है सुबह 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, यही आईडी रहती है जिससे आपने अभी ज्वाइन किया है, इस आईडी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को 5 से 6 ये रोज मेडिटेशन रहता है, जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इस कोई डाउट नहीं है। तो जो लोग कनेक्टेड नहीं है वो कनेक्ट हो जाएं। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग किसी भी रूप में जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर हमारा ये टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, जो लोग ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, सबके लिए सारे साधन उपलब्ध हैं। किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाएं, मकसद है कनेक्टेड रहना, फील करना। तो ट्विटर पर कनेक्ट हो सकते हैं और या फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो फेसबुक पर हमारा ये पेज है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, तो ये फेसबुक पर है, आप कनेक्ट होना चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। जूम लिंक शो हो तो रहा है, देखो जूम लिंक शो हो रहा है, इसी के नीचे पड़ा हुआ है। फेसबुक पे कनेक्ट हो जाएं, फेसबुक पे दे रखा है। राइट, चलिए अभी हम सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल कनेक्ट होंगे, कल फिर से आपको मैसेज आ जाएगा, तो जरा तो जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू, समाप्त करते हैं।